नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है और आप सबको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं बात करूंगा अप्रैल महीने में आने वाली दो बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्मों की। तो दोस्तों, एक फिल्म है दसवीं जो 7 अप्रैल को आ रही है और दूसरी फिल्म है KGF चैप्टर 2 जो 14 अप्रैल को आएगी। तो चलिए, इसे शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन को दबा दें। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 7 अप्रैल को अभिषेक बच्चन की बहुत ही प्रतीक्षित फिल्म आ रही है दसवीं, जिसका इंतजार लोग बहुत बेसब्री से कर रहे हैं क्योंकि यह एक सोशल कॉमेडी फिल्म है और इसके फुटेज अभिषेक बच्चन सोशल मीडिया पर डालकर और उत्सुकता बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, दसवीं फिल्म के पहले बात कर लूं क्योंकि यह फिल्म 7 अप्रैल को आ रही है और इसके बारे में बहुत सारे वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं। तो दोस्तों, ये फिल्म नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर रिलीज होगी और ये 7 अप्रैल को आप इसका एंजॉय ले सकते हैं। इसमें अभिषेक बच्चन एक दबंग जाट नेता बने हैं जो अपनी 10वीं पास करने की इच्छा को जेल में रहकर ही पूरा करते हैं। यह एक बहुत ही अच्छी सोशल कॉमेडी फिल्म है जिसको पूरे परिवार के साथ आप देख सकते हैं, लेकिन इसे देखने के लिए सिनेमा हॉल जाने की आवश्यकता नहीं है। इसे आप अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप पर देख सकते हैं क्योंकि यह नेटफ्लिक्स या और जियो सिनेमा पर रिलीज होगी। अब मैं बात कर रहा हूं 14 अप्रैल को आने वाली दूसरी फिल्म KGF चैप्टर 2। तो दोस्तों, KGF का पहले फुल फॉर्म बता दूं, KGF का फुल फॉर्म होता है कोलार गोल्ड फील्ड। कोलार क्या है? कोलार कर्नाटक का एक जगह है जो भारत के सोने की खान है, यानी सोने की खदान है। यहाँ गोल्ड एस्क पाए जाते हैं। तो खदानों पर बहुत सारी फिल्में पहले भी बन चुकी है, खदानों पर वर्चस्व की लड़ाई की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फिल्म है गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो जहां खदान होगा वहां पैसा होगा, जहां पैसा होगा वहां गैंगवार होगा। तो KGF चैप्टर 2 में भी गैंगवार दिखाया जाएगा, KGF चैप्टर 1 में भी गैंगवार दिखाया गया था खदान पर वर्चस्व के लिए। तो दोस्तों, जो KGF चैप्टर 1 देख चुके हैं उनके लिए KGF चैप्टर 2 की उत्सुकता बहुत जोरों से है, वो KGF चैप्टर 2 का बहुत इंतजार कर रहे हैं। KGF चैप्टर 2 में आकर्षण और बढ़ गया क्योंकि इसमें जुड़ गए हैं संजय दत्त और रवीना टंडन। तो दोस्तों, देखना दिलचस्प होगा कि KGF चैप्टर 1 से एक कदम आगे KGF चैप्टर 2 दर्शकों का कैसा मनोरंजन करेगी, या KGF चैप्टर 1 जैसा ही प्रभावित करेगी। तो ये तो पता चलेगा 14 अप्रैल को जब फिल्म आएगी। लेकिन मैं बात करता हूँ क्लैश की, अगर एक तरफ KGF चैप्टर 2 आएगी या एक तरफ दसवीं, अगर दोनों फिल्में आएगी दर्शकों का रुझान किधर ज्यादा होगा? तो दोस्तों, एक तो फिल्म आ रही है OTT पर, दसवीं फिल्म आ रही है OTT पर, जिसके लिए सिनेमा हॉल जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा है KGF चैप्टर 2, इसके लिए सिनेमा हॉल जाना पड़ेगा। लेकिन एक मुझे पर्सनली एक बात का दुख है कि दसवीं जैसी फिल्म सिनेमा हॉल में क्यों नहीं आ रही है? सिनेमा हॉल का स्क्रीन बड़ा होता है, एक OTT पर है, दूसरा है सिनेमा हॉल पर। तो इसमें कोई टक्कर ही नहीं होगा, कोई टक्कर की बात ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों फिल्में दर्शकों का बहुत ही भरपूर मनोरंजन करेगी। तो चलिए, हम और आप इंतजार करते हैं पहले 7 अप्रैल दसवीं का और फिर 14 अप्रैल KGF चैप्टर 2 का। धन्यवाद।